वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 100 वुमेन्स का जो आज पहला मैच खेला जाएगा। मैच आज काफ़ी जल्दी है, नॉर्मली मैच स्टार्ट होता है 7 बजे, ठीक है। आज ये जो मैच होगा वो 4 बजे स्टार्ट होगा और जो मैच खेला जाएगा वो LNS वर्सेस WEF के बीच होगा। LNS अभी तक की पॉइंट्स टेबल की जो टॉप टीम होती है ना उसके अंदर शामिल है, क्योंकि 2 मैच खेले और दोनों जो मैच है ये जीत के आ रहे हैं और जीते नहीं है, बड़े आसानी से मैच जीते हैं, ठीक है। WEF की बात करें, मैच इन्होंने भी 2 ही खेले लेकिन इन्होंने 2 मैच में से 1 में विनिंग की और 1 ये लोग हार के आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा ये। LNS चाहेगी कि हम इस मैच को बीट करके फिर से पॉइंट्स टेबल में टॉप पे बने रहें और WEF भी चाहेगी कि हम इनको बीट करें और हमारी भी पोजीशन टॉप फोर में तो वैसे है लेकिन ये सॉलिड पोजीशन बनाना चाहेंगी। और देखिए, इस मैच में जब आप फैंटेसी टीम बनाओगे तो लगभग कैप्टन में कोई गेम नहीं होगा, लगभग सभी का कैप्टन सेम ही रहने वाला है या रहने वाली है की बात है, ठीक है। और वाइस कैप्टन भी लगभग सबकी सेम होगी। हाँ, हो सकता है कुछ लोग क्या है थोड़ा रिस्क लेके खेलते हैं तो रिवर्स करते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। जैसे देखिए, इस मैच को जीतने के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान रखना। पहला टॉस कंडीशन, क्योंकि टॉस के अकॉर्डिंग अगर आपने टीम बनाई आपके विनिंग के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। दूसरा, कोशिश करना थोड़े रिस्की मूव खेलो और उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा और उस हिसाब से आपको कॉन्टेस्ट भी प्ले करने हैं। रिस्की मूव का मतलब आप ये मान सकते हो कि कुछ 2-3 ट्रंप कार्ड प्लेयर। अब जब सबसे पहले हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर रहे थे, देखिए हाई मतलब जो सबसे हाई चांसेस है वो उनकी बात कर रहा हूँ। अगर सेम लाइनअप होती है दोनों टीमों की जो पिछले मैच में थी, तो ये जो 2 प्लेयर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, हैली मैथ्यूज और जेस जोनासन, ये मैक्सिमम लोगों की कैप्टन और मैक्सिमम लोगों की वाइस कैप्टन होगी। हो सकता है कुछ लोग रिस्क लेने वाले होते हैं तो कुछ लोग कैप्टन जोनासन को कर दे और वाइस कैप्टन मैथ्यूज को कर दे, ये हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो कैप्टनसी का कोई गेम नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी यही है, गेम आने वाला है डिफरेंशियल प्लेयरों का और कॉम्बिनेशन टॉस के अकॉर्डिंग बनाने का। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है ये, तो कोशिश करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखो। करता हूँ मैं भी वीडियो को स्टार्ट। बाकी उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या कई लोग ऐसे भी होंगे जो आते जाते रहते हैं लेकिन टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। सिंपल सा रीज़न है, जिस मैच की आप वीडियो देख रहे हो ना इसकी फाइनल टीम जो आएगी वो यहीं पे आने वाली है। अब टेलीग्राम को ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक करो और ज्वाइन कर दो। दूसरा तरीका है, डिस्क्रिप्शन के अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट देखने वाले हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ये 8 पॉइंट बताने वाला हूँ जो मैच के मेन पॉइंट है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन, ट्रंप कार्ड वगैरह जो लिखी हुई चीज़ें, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैच के वेन्यू के बारे में। तो ये लॉर्ड्स के अंदर ये मैच खेला जाएगा। लॉर्ड्स का वेन्यू मैं आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। ये ऐसा वेन्यू है जहाँ पे पिछले कुछ मैचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैचेस खेले जो गए हैं ना वो एक बैलेंस विकेट रही है, और बैलेंस में कैसी, बॉलर्स के लिए अच्छी। बैलेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो बैलेंस जिसमें बल्लेबाज अच्छा करते हैं और एक वो बैलेंस जिसमें बॉलर्स अच्छा करते हैं। तो ये ऐसी विकेट है जहाँ बॉलर्स के लिए ज़्यादा एडवांटेज है, और आप ट्राई ये करना कि कैप्टन वाइस कैप्टन स्पिनर्स हो। वैसे तो वही है, स्पिनर ये दोनों, लेकिन ये स्लो विकेट भी होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैच चलता जाएगा यानी कि विकेट स्लो होता जाएगा। अभी रिसेंट की बात करें ना, अभी के मैच की, तो LNS और लंदन स्पिरिट और BP यानी ब्रिंगम फोनिक्स की जो टीम है ना, इनका मैच हुआ था और LNS की टीम जीत के आ रही है। और सेकेंड इनिंग में जैसा मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे विकेट स्लो होता है, वैसा ही सीन देखने को मिला कि रन चेज नहीं हो पाया और विकेट स्लो हो गया था, तो मैच ये टीम जीत गई थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए ये जो WEF की टीम है, कैप्टन आपका कौन है, हैली मैथ्यूज, और वाइस कैप्टन आपका कौन है, जेस जोनासन, या उल्टा मान लो एक बार के लिए। तो भाई आप तो यही चाहोगे कि ये दोनों प्लेयर परफॉर्म करें, है ना। और लेकिन टीम स्ट्रॉन्ग कौन सी है, LNS की टीम है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, WEF से स्ट्रॉन्ग टीम LNS की टीम है, ठीक है। लेकिन अगर WEF की टीम पहले बैटिंग करती है तो WEF LNS को बीट कर देगी बड़े आसानी से। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ ना, आप तो ये मान लेना जो टीम पहले बैटिंग कर रही है
उसके विनिंग के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बैटिंग करेगी अगर उन्होंने तो अच्छा टारगेट दे दिया 130 140 का, तो सामने वाली टीम ढेर हो जाएगी। ठीक है, जो भी बैटिंग करें चाहे WAF हो चाहे LNS हो, हाँ अगर पिच रिपोर्ट में आए कि यार यहाँ पे तो जो रोलर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से यूज लिया गया है और दो दो बार रोलर यूज किया गया है, अब उससे क्या होता है पिच बिल्कुल ऐसा हो जाता है जो बल्लेबाज के लिए अच्छा हो, अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसके चांस ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन हो सकती होती रहती है, अगर ऐसी चीज़ होती है तो उस कंडीशन में तो चेंजिंग आसानी से होगी, अगर नॉर्मल चीज़ें चलती है जो नॉर्मली चलती भी है तो उस कंडीशन में विकेट जो है स्लो होगा सेकेंड इनिंग में और रन्स नहीं बनेंगे और जो बैटिंग करेगी वो मैच जीत जाएगी, चाहे LNS हो चाहे WAF, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ जो आपके काम की है और आपके फ़ायदे की भी है। देखिए, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रियल 11, जिसने डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने पे कोई GST और TDS पे नहीं, डिपॉजिट पे GST और विड्रो जब आप करोगे तो कोई TDS पे आपको नहीं करना पड़ेगा, तो डाउनलोड आप कर सकते हो, लिंक मैंने दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इस मैच के ट्रेड्स की अगर बात करें, जैसे आपको बताइए ये जो मैच है, देखिए जो भी टीम बैटिंग करेगी ना मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो विन करेगी। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेड है, लंडन स्पिरिट की टीम क्या है, द 100 का जो मैच है वेल्फशायर वुमेन्स के बीच, ठीक है, वेलिंगटन, हाँ वेल्फशायर ये, ठीक है, तो इनके बीच ये मैच जीतेगी या हारेगी। तो भाई देखिए, टीम स्ट्रॉन्ग लंडन स्पिरिट है, लेकिन अगर लंडन स्पिरिट पहले बॉलिंग करती है तो वो हार भी सकती है। तो सिंपल सी बात ये, अगर जो भी टीम बैटिंग करे ना, मेरा ट्रेड है ये अभी के लिए, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये ट्रेड, आप उसको फॉलो करना क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग जो है ना ट्रेड चेंज होते रहते हैं। फिलहाल की बात करें तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, अगर नॉर्मली देखे तो यस पे ही क्लिक करूँगा, लेकिन जैसे ये पहले बैटिंग नहीं करके बॉलिंग करती है तो मैं नो पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी उसके अलावा ये थोड़ा सा विकेट क्या है बॉलर्स के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे 162 रन बनेंगे नहीं बनेंगे वो नहीं बनने वाले, तो ये ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, 136 रन बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी थोड़े चांस कमी है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि बन सकते हैं। आप देखिए, एक तो ये ट्रेड खेलोगे और ये तो कंफर्म खेलनी है, 162 वाली तो कंफर्म खेलनी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से प्लेइंग 11 वगैरह की, तो सबसे पहले LNS की बात कर लेते हैं, जो अच्छी टीम है और इनकी जो है ना बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी है, बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखिए, मैग लेनिंग ओपनिंग करेंगे रेडमाइनी के साथ, वन डाउन आएंगे सी ग्रिफिथ, फिर हैदर नाइट, फिर डेनियल गिब्सन, एरिन बर्न, सारा ग्लेन, सी डीन, उसके बाद शॉफी मुंडो, टारा नॉरिस के साथ ईवा ग्रे, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। लेफ्टी इनके पास सिर्फ एक और जो कि रेडमाइन है, तो हो सकता है पावर प्ले में आपको मैथ्यूज बॉलिंग करती हुई नजर आ जाए, ठीक है, चांस बहुत ज़्यादा है ये। अब बात करें यहाँ से मेन प्लेयरों की जो स्मॉल लीग में लेने, अब देखिए प्लेयर जो है ना कंडीशन वाइज लिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, मैं आपको तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि विकेट ऐसा है जहाँ बॉलर्स के लिए अच्छा है, थोड़ा सा बॉलर यहाँ पे अच्छा रहेंगे बल्लेबाज के कंपैरिजन में। अब देखिए, एक प्लेयर है जिसका नाम है शॉफी मुंडो, अब ये प्लेयर बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छी बॉलर है और विकेट टेकर नेचर की बॉलर है। अब इसका सिलेक्शन रेट आप देख सकते हो कितना है, 4% इनका सिलेक्शन रेट है, और ये बंदी जो है ना ये आने वाली है डेथ ओवर्स के अंदर। अब ऐसे प्लेयर ही होते हैं जिन जो आपको एक तरफा जितवाते हैं, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि शॉफी मुंडो आपकी ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, लेकिन कब, जब टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी, ध्यान रखना। मैं हालांकि बोलने को तो इसकी फर्स्ट बैटिंग पे भी बोल दूंगा, लेकिन फर्स्ट बैटिंग पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान के चलो हालांकि बैटिंग करने वाली टीम के विनिंग के चांस ज़्यादा है वो मुझे पता है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो बैटिंग कर रही है टीम, चाहे भले स्लो विकेट कितना भी हो, अगर उन्होंने 50 रन पे ही वो ऑल आउट हो जाते हैं तो ये करेगी क्या, इनको कोई विकेट मिलने के चांस नहीं बनते हैं। तो जब आपके पास सीधा सा ऑप्शन है कि यार 100 बॉल तो फेंकेंगी वुमेन्स की बॉलर जो है ना, ये जो मैच होगा उसमें 100 बॉल तो फेंकेगी जो भी बॉलर है, तो डेथ में तो चाहे कितनी भी बढ़िया बल्लेबाज हो वो रन बनाएगी बनाएगी, और रन बनाने के चक्कर में विकेट भी फेंकेगी। तो आराम से शॉफी मुंडो आपके लिए इतनी बड़ी ट्रम्प कार्ड है कि आपको इससे बड़ी ट्रम्प कार्ड नहीं मिलेगी इस मैच के अंदर, और मैं आपको इससे बढ़िया तरीके से समझा भी नहीं सकता हूँ। तो कोशिश करना, LNS की बॉलिंग फर्स्ट अगर आती है तो आपके लिए मस्ट नीडेड प्लेयर होगी शॉफी मुंडो, और कन्फर्म आपको लेनी है, भले ही हार क्यों ना जाओ लेकिन लेनी है, क्योंकि ये आज डेथ में 100% आएगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट जो इनका मैच हुआ था ना, 4 के स्ट्रोक किए थे इसकी बॉलिंग पे, मैंने लिया था उस कंडीशन में भी, इसका सिलेक्शन बहुत कम था, 4 के स्ट्रोक किए थे अगर आपने मैच लाइव देखा हो तो, फिर भी हालांकि एक विकेट लिया था इसने,
लेकिन वो मज़ा तो नहीं आएगा ना, जो एक बंदी चार विकेट ले रही है कि एक विकेट ले रही है। बट मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ, ये आपकी अच्छी ट्रम्प कार्ड है, अब लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैग लेनिंग, रेडमाइन, नाइट, डेनियल गिब्सन, बर्न्स, ये ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड, इनके बारे में मैं बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बात करते पावर प्ले बेंच की हो ही गई, स्टेट्स भी आप देख सकते हो सभी प्लेयरों का। बाकी ज़्यादा कुछ काम के है नहीं इस मैच में स्टेट्स, क्योंकि हाई सेलेक्टेड प्लेयर ऑलरेडी हाई है, जो अच्छे प्लेयर है ना वो ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड है। हाई सेलेक्टेड प्लेयर हाई है मतलब वही सीन है कि यार जो अच्छे प्लेयर है वो ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड है। अब देखिए हैदर नाइट का रिकॉर्ड अच्छा है तो हम कोई ड्रॉप तो करेंगे नहीं, तो क्या करें, इनको देख के उन प्लेयरों का रिकॉर्ड अच्छा लगता है जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे शोफी मुंडो का देख लो, वेलिंगटन WAF, ठीक है, के अगेंस्ट, वेल्फशायर के अगेंस्ट इन्होंने दो मैच खेले जिसमें दो विकेट हैं, और इस वेन्यू पे भी इन्होंने दो विकेट लिए। और रीसेंट फॉर्म देखोगे ना आप, रीसेंट फॉर्म पिछले तीन मैच में छः विकेट हैं, वही बात है, अब लेने वाला होना चाहिए ना। और ग्लेन वगैरह पहले अच्छी फॉर्म में, तो क्या ही बोले, लॉर्ड्स के ऊपर ग्लेन का रिकॉर्ड बहुत ही लाजवाब है, याद रखना। जोनस की जगह आप ग्लेन के साथ भी कैप्टनसी में जा सकते हो, क्योंकि ये टीम तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है और ये बेंच के प्लेयर है। बात करें इनके स्कोर कार्ड की, तो पिछला जो मैच हुआ था ना उसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा स्कोर किया था मैग लेनिंग ने, और ये टीम बैटिंग कर रही थी, और बैटिंग करेगी तो ऑब्वियस मतलब सीधी सी बात है कि भाई जो भी टीम बैटिंग करेगी उसके डेथ बॉलर से कोई उम्मीद होती नहीं है। और मुंडो के साथ वही हुआ, मुंडो क्या, गिब्सन को देख लो कोई विकेट ही नहीं मिला है, ग्लेन को मिला क्योंकि ग्लेन पे भाई प्योर विकेट टेकर बॉलर है। तो पाँच विकेट गए जिसमें ग्लेन ने लिए, एक तो नॉरिस ने लिया, चार ग्लेन ने लिए। यही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये फर्स्ट बॉलिंग होती ना तो मुंडो है ना कम से कम दो विकेट जरूर लेती। अब आप उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है, जो लोग नहीं ले रहे यूज में। अब सेकंड टीम की बात करें तो वेल्फशायर की टीम है, ठीक है, मैं वेलिंगटन करे जा रहा था। देखिए वेल्फशायर की तरफ से शोफिया डंकली और टेमी बेमंट ओपनिंग करेंगे, उसके बाद मैथ्यूज है। बस ये तीन प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाती है ना, गारंटी मेरी है कि टीम जीत ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो रन बना दे और मैच जिता दे। हाँ, अगर इनमें से कोई भी टिक गई तो फिर वो सिंगल हैंडली मैच जिता भी सकती है। डंकली ने तो जिताया था एक मैच, एक तरफ अपने दम पे मैच जिताया था, आपको पता हो तो, ठीक है, एक लिस्टन के जो टीम है उसके अगेंस्ट। देखिए डंकली ओपनिंग टेमी बेमंट के साथ करेंगे, फिर मैथ्यूज है, ब्राइस है, जोनासन है, एलवी से फोबे है, फ्रेहा है और जॉर्जिया है, बेथ लैंगस्टन है और शबनम इस्माइल है। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, और लेफ्टी यहाँ पे कोई है नहीं, तो वहाँ से ऑफ स्पिनर कोई उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनेगा, यानी कि हाई चांसेस है कि इरिन ब्रंस बॉलिंग नहीं करेगी, क्योंकि इरिन ब्रंस मोस्ट ऑफ द टाइम कब बॉलिंग करती है, जब सामने लेफ्टीज रहते हैं, या उस कंडीशन में भी बॉलिंग करती है जब विकेट बहुत स्लो हो जाए और स्पिनर के अलावा किसी को विकेट ही नहीं मिल रहा हो, तो ये दो कंडीशन पे वो बॉलिंग करती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी कंडीशन की अगर बात करें ना तो ऑलरेडी उनके पास मेन बॉलर अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाँच बॉल की आप उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। तो इरिन ब्रंस ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड है, तो अगर आप ले रहे हो तो कोशिश कर सकते हो मिनी जेल वगैरह में ड्रॉप करने की। ये लाइनअप हो गई स्मॉल लीग के मेन प्लेयरों में, डंकली है, बेमेंट है, हेली मैथ्यूज है, जोनासन है, बस ये चार तो मतलब लेने ही है, मतलब कुछ भी हो जाए इनको तो लेना है। जैसे ये बॉलिंग करती है शबनम इस्माइल इंपॉर्टेंट बन जाएगी डेथ ओवर्स के कारण, बस सिंपल सी बात है, आपको कंडीशन के हिसाब से टीम के अंदर प्लेयर को इंक्लूड करना है। ये इनके पांच प्लेयर है बेंच के प्लेयर, एलेक्स ग्रिफिथ बहुत अच्छी प्लेयर ऑलराउंडर प्लेयर है लेकिन मौका नहीं मिला है अभी तक। शबनम इस्माइल, फ्रेया डेविस और जेस जोनासन पावर प्ले में आएंगी, और शबनम इस्माइल, जोनासन और जॉर्जिया डेविस डेथ में आएंगे, और फ्रेया डेविस भी डेथ में आ सकती है। बात करें यहाँ से प्लेयरों के स्टेट्स की, सो गाइस देखिए अब बात करें डंकली की, देखिए मैं इनके बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी हाई सेलेक्टेड है, मैं आराम से, हालांकि आप स्टेट देख सकते हो लेकिन कोई मतलब तो बनता नहीं है, कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनका नाम नहीं लूँगा। बाकी और ये बेंच के प्लेयर्स हैं, सॉरी लाइनअप के प्लेयर्स हैं, जिसमें आप देखोगे जॉर्जिया एल्विस है, फोबे हैं, वहीं पर डेविस है, कोई काम के प्लेयर नहीं है जोनासन के अलावा, ठीक है। उसके बाद ये लैंगस्टन और शबनम इस्माइल है, इस्माइल इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग पे, फर्स्ट बैटिंग पे भी इंपॉर्टेंट है इस्माइल, क्योंकि विकेट टेकर है वो, और सामने वाली टीम मतलब अगर आप देखोगे ना तो दो प्लेयर ऐसे जो विकेट फेंक सकते हैं, ये बेंच के प्लेयर हो गए। उसके अलावा स्कोर कार्ड की तरफ चले तो पिछले मैच में डंकली सबसे ज़्यादा स्कोर किया जोनासन उसने उसके बाद, और बॉलिंग में जॉर्जिया डेविस ने तीन विकेट लिए और एक शबनम इस्माइल ने। शबनम इस्माइल देखिए विकेट टेकर है, फर्स्ट बैटिंग पे भी विकेट लेती है बंदी और सेकंड बैटिंग पे भी, फर्स्ट बॉलिंग पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेती है फर्स्ट बॉलिंग पे, क्योंकि डेथ का ऑप्शन मिल जाता है ना। और ये सेकंड लास्ट मैच है जिसमें जोनासन ने तीन विकेट लिए, डेविस ने दो विकेट लिए, मैथ्यूज ने एक और डेविस ने एक, फ्रेया डेविस और जॉर्जिया डेविस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद बात करें रियल 11 की, तो डाउनलोड आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। गेम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जिनको खेल के आप मतलब आप कह सकते हो फैंटेसी के अलावा कोई सोर्स जो अर्निंग का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
बाकी अब बात कर लेते हैं टीम की, लेकिन फाइनल टीम आपको मैं दूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले याद दिला दूँ, हो सकता है भूल गए हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वो कर लेना अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं। चलो टीम की बात कर लेते हैं जो मेरी इस मैच में स्मॉल लीग में रहने वाली है। तो मेरी एक ट्रंप कार्ड तो प्लेयर आपको पता लग गया, लेकिन वो सिर्फ तब होगी जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसकी टीम, वरना मैं नहीं लेने वाला हूँ, फिर वो ट्रंप नहीं होगी, ठीक है। अब विकेट कीपिंग की बात करें ना, तो टेमी बेमेंट और रेडमैन है, मैंने दोनों को पिक किया हुआ है। बाकी सारा ब्राइस एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि इनसे अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इनका नाम नहीं लूँगा। अब ये प्लेयर ऐसी प्लेयर है जो विकेट कीपिंग भी करेगी और क्या नाम है ओपनिंग भी करेगी, तो फिर मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। हाँ, टेमी बेमेंट की जगह आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फालतू का रिस्क है वो। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने तीनों को लिया हुआ, और तीनों आपका ओपोनेंट 100% लेके आएगा, और आप भी ले लो ना कि भाई अगर कोई फालतू का ही रिस्क लेना हो तो बात अलग है, वरना सीधे सीधे प्लेयर आप लो, आपको विन ही तो करना है स्मॉल लीग, तो स्मॉल लीग विन करने के लिए आपको ज़्यादा मथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, रिस्क लेके आराम से विन कर जाओगे। अब बस किस्मत ख़राब हो तो बात अलग है। अब जैसे मान लो कि आपने ले लिया हो किसको, लेनिंग को, और उसने ले लिया हो ग्रिफिथ को, लेनिंग आउट हो गया जीरो पे, वो दो रन बना दी, तो वो फिर किस्मत वाला सीन है। बाकी लेनिंग आपको पता है ना अच्छी प्लेयर है, तो बस वही चीज़ करो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, आप मोस्ट ऑफ दी गेम जीतोगे, लेकिन किस्मत के आगे आप हार जाओगे। उसके बाद हेली मैथ्यूज है, सी डीन है, उसके अलावा गिब्सन है, और उसके अलावा बस ये तीन को मैंने लिया हुआ है। फिर आ जाए बॉलिंग सेक्शन में, सारा ग्रेन, जेस जोनासन, शॉफी मुंड्रो, ये मेरी टीम स्मॉल लीग की बन चुकी है, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। शॉफी मुंड्रो अगर आप बोलोगे भाई वो आपने क्यों लिया है, मैं लूँगा भाई मैं, हाँ अगर पहले बॉलिंग नहीं होती है ना, अगर नहीं होती है तो मैं बता देता हूँ, मैं मुंड्रो को ड्रॉप कर दूंगा, आराम से करूँगा ये मान लो, ठीक है। और मुंड्रो को ड्रॉप करने में बंस को तो नहीं लूँगा, इस्माइल को ही लूँगा, क्योंकि बंस के बॉलिंग के चांस ही नहीं है, कोई मतलब मैं मतलब ही नहीं लेने का। हाँ चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं नहीं लूँगा। तो ये मेरी टीम है, और कैप्टन वाइस कैप्टन का कोई मामला ही नहीं है, आराम से सेम कैप्टन वाइस कैप्टन, मेरे खुद के भी यही है, कैप्टन मेरी मैथ्यूज, वाइस कैप्टन जोनासन है। बाकी इस्माइल की जगह मैं लेने वाला हूँ क्या नाम है अपने मुंड्रो को, ये याद रखना, और मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज कर दूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती वेल्फशायर की टीम, तो मेरी कप्तान जेस जोनासन होगी और वाइस कप्तान हेली मैथ्यूज होगी। कब? जब WAF की टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि डेथ में आएगी, और शबनम इस्माइल भी डेथ में आएगी, और डेथ में आएगी तो विकेट मिलेंगे, 100% विकेट मिलेंगे, तो मेरी कप्तान बढ़िया कप्तान हो जाएगी। वाइस कप्तान में खुद हेली मैथ्यूज को कर दूंगा। लेकिन अब ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो अब बल्लेबाजी करेगी ना, तो शबनम इस्माइल को ड्रॉप करूंगा, और कांगई शॉफी मुंड्रो को लूंगा, और कैप्टन कर दूंगा मैथ्यूज को, और वाइस कैप्टन जोनासन को। तो आराम से अपनी अच्छी खासी टीम बन रही है। आप चाहो ना तो उस कंडीशन में ग्लेन भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी सेम टीम रियल इलेवन के लिए यूज होगी, ठीक है, सेम टू सेम टीम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टीम मैं रियल इलेवन के लिए यूज करने वाला हूँ। बाकी देखिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के अगर अदर ऑप्शन की बात करूँ ना, तो अदर ऑप्शन में आपको मिलने वाली है एक तो मैग्लेनिंग, जो बहुत अच्छी प्लेयर है, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, और मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो उतनी अच्छी बैटिंग विकेट है नहीं ना ये वाली विकेट, लेकिन बना सकते हो। मैग्लेनिंग सबसे अच्छी प्लेयर है पूरे ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स के अंदर, उसके अलावा शोफिया डंकली, और उसके अलावा डेनियल गिब्सन, ये तीन अदर ऑप्शन है जो थोड़े डिफरेंशियल है, और उसके अलावा थोड़ा अलग ही लेवल का VCR या C चाहिए, तो फिर वो सारा ग्लेन है। तो ये मेरी टीम है, और बाकी जो भी मेरी टीम में चेंजेस वगैरह होते हैं मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और बाकी वीडियो को लाइक करना, जिसने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।